बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, बशर्तीक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जा रहे हैं अड़ंगकेल, बड़ी ही खूबसूरत जगह है। तो हम खुद भी सैर करेंगे और आप सबको भी सैर करवाएंगे अड़ंगकेल की। यहीं से देखें नज़ारे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, बड़ी ही प्यारी जगह है। तो चलिए मिल के अड़ंगकेल की सैर करते हैं। ऐसे झूल रहा है जो पुल है ना, खतरनाक महसूस हो रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अड़ंगकेल जो है हम पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से नज़ारा जो है वो आप चेक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी केल में हम पहुंच गए हैं। तो आगे हमने जाना है अड़ंगकेल। तो ये केल का बाज़ार है। यहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और एटीएम भी है यहाँ पे। एसकॉम जो चलती है, सिम नेटवर्क जिसका चलता है 4G, वो भी यहाँ से मिल जाती है।
आपने कुकिंग करनी है यहाँ पे आके, तो यहाँ से सारा सामान जो है वो मिल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरती देखें। तो यहाँ से उस तरफ जो है ये लिफ्ट पे जाएंगे, वो लिफ्ट वहाँ से आ रही है। तो ये लिफ्ट है, इसमें बैठेंगे। जैन जिधर बैठना आपने, आगे आ जाएं। मैं आगे आ जाऊं? नहीं जी, इधर ठीक होगा, मैं इधर बैठूंगा। एक मिनट पकड़ें ये जी, मुझे अपना सारा सामान जो है वो उठा लेने दें। आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। नीचे से जो व्यू आएगा ना, माशाल्लाह क्या ही बात है। ये जी लिफ्ट पे बैठ चुके हैं हम। क्यों भाई जान, जी पहले भी आए हैं केल? नहीं पहले नहीं आए, मैं केल में आया हूँ, लेकिन अड़न केल नहीं आया। अड़न केल नहीं गए, पार नहीं गए जी। बहुत ऊंचाई पे हैं हम, और ये देखें कितना टाइम लगा के बता रहा हूं। मैं पिछली बार आया ना, रुकया नहीं था, वापसी था आया ना, अच्छे मजा आ गया जी। आप एंजॉय कर रहे हैं? हाय 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 हाय, हाँ जी भाई जान, हवा जो है ना वो ठंडी है, बाकी बातें छोड़ो। मजा मजा, तो हवा जो है वो ठंडी है, बहुत मज़े की। यहाँ पे हमारा जो है सफ़र ख़त्म हो जाएगा झंडिया से। एक कितने की टिकट पड़ी है भाई जान हमें? 200 रुपये। ब्रेक मार रही हो या जी? ओ ब्रेक मार रहे हो भाई, वाज चले जाइए। अभी हम बैठ जाएं जी, सामान सामान निकालो भाई, सामान निकालो। हो गए सामान पे यार, आराम करो। तो पक्का रास्ता जो है वो उधर से है, और ये शॉर्टकट है, कच्चा रास्ता जी। यही है, यही है, वो कह रहे हैं कि ऊपर ही जाना है, जिधर से मर्जी चले जाएं। पक्का रास्ता उन्होंने पता है क्या किया हुआ है? वैसे जैसे रोड नहीं जाता गोल गोल जी जी, अरे सफर लंबा हो जाता है जी, तो इसलिए फिर उन्होंने ना लोगों ने शॉर्टकट रास्ते बना लिए हुए। जी भाई, वो सब पीछे हैं, मैं आगे आ गया हूँ, वो कह रहे हैं आप गलत रास्ते पे हैं, पर चलें कोई मसला नहीं है, देखते हैं। हो सकता है आगे जाके कहीं पे ये रास्ता उस रास्ते से मिल जाए। पसीना आ गया, और वो लोग दूसरी तरफ हैं, मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, तो आप कह सकते हैं मैं भटक चुका हूँ। अब आगे रास्ता नहीं मिल रहा, किस तरफ जाना है। पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, कभी भी ट्रैक को ना छोड़ें, ये भी ट्रैक आखिर कहीं ना कहीं चला जाएगा, लेकिन वो पक्का ट्रैक था। वो पास ही हैं वो लोग, वो रहे। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट हो गया था, लेकिन यहाँ से चढ़ाई ज़्यादा है,
तो ये ट्रैक है जी जैन भाई, आपको नजर आ ही रहा है। असल में चढ़ाई जो है ना सीधी सीधी है, बाकी जो हमने पहाड़ों पे चढ़े हैं ना वो तरह थोड़ा तो और किस्म की चढ़ाई होती है। ये हम सीधे ऐसे जल सीधे आ रहे हैं, बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं। 70-80 डिग्री में आपको पाँव रखना पड़ता है जी, तो वैसे पाँव थक जाते हैं। वो ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ है और वहाँ से हम आए हैं तो यहाँ जाना है, हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल, थोड़ा सफ़र रह गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे छोटी छोटी बछड़ी हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये जो है ये शेड इन्हीं बछड़ियों के लिए बनाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए हैं तकरीबन। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ के भाई जो हमारे साथ हैं उनसे पहले तो हम आ गए। जो सुकून मिलता ना पहुँच के उसकी क्या ही बात है भाई जान। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जी भाईजान, अच्छी ट्रैकिंग की है हमने जी, बहुत अच्छी जी, ठीक रहे हैं आप। जैन भाई आगे जा रहे हैं, तो ये ग्राउंड जो है ये देखें पहाड़ के ऊपर बहुत प्यारा, ये अड़ंकेल है जी, इर्द गिर्द चारों तरफ जो है वो पहाड़ हैं और दरमियान में ये ग्राउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल जो हैं आ चुके हैं, अभी लंच का टाइम हुआ है तो दाल चावल लंच में। जगह देखें आप, अड़ंकेल जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। दाल चावल मज़े के जी, थोड़ा पहाड़ दोस्तों। यहाँ पे ट्रैफिक का शोर, वो दरिया का शोर जो है वो भी नहीं है। अभी सिर्फ वो जैन भाई ने जो उड़ाया हुआ है ना ड्रोन, उसकी आवाज़ है, बाकी बिल्कुल सुकून है, कोई शोर नहीं किसी किस्म का भी। और हरियाली जो है वो बहुत ही कमाल की। तो यहाँ पे सब्जियाँ भी काश्त की हुई हैं तो वो भी बड़ी हो जाएंगी, मकई जो है वो भी बड़ी हो जाएगी एक माह तक, तो हरियाली जो है वो बढ़ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अड़ंकेल जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे चरागाहें हैं, बहुत ही प्यारा जंगल है। और बहुत ही मज़े का पानी है। ये पहाड़ है, पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में ये ग्राउंड है सारा, ये सारा जंगल अल्हम्दुलिल्लाह।
वो अभी भी सामने ग्लेशियर्स हैं इस तरफ भी, तो उस तरफ तो पहाड़ों पे ज़्यादा बर्फ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अड़ंगकेल का जो नज़ारा है वो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी अड़ंगकेल है, बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज जो है मुझे समझ नहीं आ रही, वहां नीचे से पानी आ रहा है, नीचे से ये ऊपर की तरफ, ये देखिए ये ऊंची होती जा रही है जगह पर पानी जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फसलें भी हैं, ये मकई की फसल है और ये सारी मकई है, ये जो है ये लोबिया की फसल है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।